हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट डॉक्टर एफ डब्ल्यू वेंट नोटेड दैट इफ पॉलियोक्टाइल टिप्स वर रिमूव्ड एंड प्लेस्ड ऑन अगार फॉर 1 आवर, द अगार वुड प्रोड्यूस ए बेंडिंग व्हेन प्लेस्ड ऑन वन साइड ऑफ फ्रेशली कट पॉलियोक्टाइल स्टम्प्स ऑफ व्हाट सिग्निफिकेंस इज दिस एक्सपेरिमेंट। तो इस क्वेश्चन में मेनली हमसे पूछा गया है डॉक्टर एफ डब्ल्यू वेंट जो है उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट रहेगा, डॉक्टर एफ डब्ल्यू वेंट ने, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो यहाँ हम लिख लेते हैं, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में पूछा गया है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो है ये किया था एवेना सटाइवा ग्रास पर। तो एवेना सटाइवा ग्रास पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, इसके पोलियोक्टाइल को इन्होंने लिया था। तो इसका पोलियोक्टाइल जो है इस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो इनके एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम देखते हैं। तो इनका ये एक्सपेरिमेंट था कि इन्होंने जो सीडलिंग था, मीन जो पोलियोक्टाइल था, उसका टिप पार्ट जो है वो कट किया, और इसे कट करके इन्होंने अगार, अगार मीन जो अगार जेल होती है, उसका एक ब्लॉक बनाकर, और ये टिप जो है पोलियोक्टाइल की जो टिप थी, इसे उस अगार ब्लॉक पर इन्होंने रख दिया और 1 घंटे तक ये पड़ा रहा। तो हुआ क्या, इनका जो एक्सपेरिमेंट है ये ऑक्सिन प्लांट हार्मोन से रिलेटेड है। तो टिप पार्ट में जो कि यहाँ पर ऑक्सिन की फॉर्मेशन होती है, तो ये ऑक्सिन जो है ये अगार ब्लॉक में डिफ्यूज हो गया था, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑक्सिन डिफ्यूजेस इनटू अगार ब्लॉक। फिर इन्होंने ये जो अगार ब्लॉक है इसे आगे की ओर रखा, पोलियोक्टाइल फ्रेशली कट पोलियोक्टाइल स्टंप जो है इसके एक साइड में रखा, और फिर इस साइड से इन्होंने क्या किया, इसे इल्यूमिनेट कर दिया, इधर से इसे लाइट दी गई। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सिन जो कि इस अगार ब्लॉक में प्रेजेंट था, तो वो डिफ्यूज होता है नीचे की ओर। डिफ्यूजन होने की वजह से यहाँ की जो सेल्स है ये इलोंगेट हो जाती है, और यहाँ पर फोटोट्रोपिज्म देखने को मिलता है, फोटोट्रोपिक मूवमेंट देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर बेंडिंग होती है, यहाँ की जो सेल्स है ये इलोंगेट होकर इस टिप को बेंड कर देती है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये मेनली ऑक्सिन के पोलर मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ये क्या करता है, ये एक्सपेरिमेंट ऑक्सिन के पोलर मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो पोलर मूवमेंट जो है ये किस टाइप का होता है, ये होता है बेसिपेटल टाइप का। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ऑक्सिन का जो मूवमेंट है ये बेसिपेटल टाइप का होता है, मीन टिप पार्ट से ये बेस की ओर मूवमेंट जो है, इसका डिफ्यूजन जो है वो देखने को मिलता है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन हमारे पास ए दिया गया है, इट मेड पॉसिबल दैट आइसोलेशन एंड एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सिन। तो ये है तो सही, बट यहाँ पर इस क्वेश्चन में इस टाइप का जो आइसोलेशन एंड एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात नहीं की गई है, ये ओनली पोलर मूवमेंट मीन ऑक्सिन के मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है ये एक्सपेरिमेंट। तो हमारा ऑप्शन ए जो है ये अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, तो ये रॉन्ग होगा। ऑप्शन बी है, इट इज द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेज। तो यहाँ पर किसी भी टाइप का क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन नहीं किया जा रहा है इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये भी रॉन्ग होता है। ऑप्शन सी है, इट सपोर्ट्स द हाइपोथिसिस दैट IAA, मीन IAA का मीन है इंडोल थ्री एसिटिक एसिड इज ऑक्सिन। तो यहाँ पर इस टाइप का भी कोई हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये भी रॉन्ग होगा। ऑप्शन डी है, इट डेमोन्स्ट्रेटेड पोलर मूवमेंट ऑफ ऑक्सिन। तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है। सो द फाइनल आंसर इज
ऑप्शन बी, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।